हज़रत ग्रामी, अब दो अहम नाम हमारी इस फहरिस्त में आज के मुशायरे में। मलिकज़ादा जावेद साहब के दर्जनों शेर ऐसे हैं जो हमारे हाफिज़े में महफूज हैं। उन्हीं के चार मिसरे से उनको दावत सुखन देना चाहता हूँ कि मरीज़ हमको दवाएं बताने लगते हैं, मरीज हमको दवाएं बताने लगते हैं, बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं। मरीज हमको दवाएं बताने लगते हैं, बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं। नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना, नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना। हर एक चीज की कीमत बताने लगते हैं, हर एक चीज़ की कीमत बताने लगते हैं। इस शेर के खालिक व मालिक आली जनाब इज़्ज़त माब मलिकज़ादा जावेद साहब से बड़े ही अदब से गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाए। मौजूद हजरात, बिला शुभा आज का ये मुशायरा जिसके बानी हमारा छोटा भाई दिलशाद और आमद पर मेरे अजीज मेरे मोहतरम मेराज भाई और हमारे हम सब के, मतलब मैं अब आपको क्या बताऊं। और एक बात और बताना चाहता हूँ, ये जो इस्लामिया कॉलेज है यहाँ हमने अपना बचपन गुजारा है, हमारी तालीम की इब्तिदा इसी इस्लामिया कॉलेज से, तो मेरे लिए बड़े फ़ख्र और इफ्तिखार की बात है कि मैं इस जगह से पाऊँ। और इसके अलावा एक बात और मैं बताऊँ कि मेरे वालिद की पूरी ज़िंदगी गोरखपुर में गुजरी है और मेरे वालिद का पहला अपॉइंटमेंट जो हुआ था यही इस्लामिया कॉलेज में हुआ, यहाँ के उस्ताद थे। तो इस जगह से हमारा बड़ा जज्बाती सा रिश्ता है, ताल्लुक़ है। और उस ताल्लुक़ की ये है कि बड़ी बड़ी सोहबतों से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं इनके दिलशाद भाई के हुक्म पर। हजरत हमारे दरमियान इतने वक्त हिंदुस्तान में जितनी शायरात हैं उसमें एक अहम व मुमताज़ नाम अना देहली साहिबा का है। और आप अभी सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने बखीली से काम लिया है, उससे बहुत ही अहम शायरा है। हम लोगों का ताल्लुक रहता है हमेशा मुशायरों में कहीं ना कहीं, और इनकी ज़िंदा दिली और इनकी मोहब्बतें अपने हम असरों के साथ ऐसी है कि सब इनको याद करते हैं, सब इनसे मोहब्बत करते हैं, सब इनसे। अब मैं कुछ शेर सुना दूँ हजरत, इजाज़त। मैं बहुत सालों बाद आया हूँ तो जहाँ से याद आ रहा पेश कर रहा हूँ। अंधेरों से मेरा रिश्ता बहुत है, अंधेरों से मेरा रिश्ता बहुत है, अंधेरों से मेरा रिश्ता बहुत है, मैं जुगनू हूं मुझे दिखता बहुत, अंधेरों से मेरा रिश्ता बहुत है, मैं जुगनू हूं मुझे दिखता बहुत है। औजात हमारे नौजवान बहुत बैठे हुए हैं, बहुत जिंदा दिली से मुशायरा सुन रहे हैं। एक शेर इनकी नज़र करना चाहता हूँ। मैं जुगनू हूँ मुझे दिखता बहुत, वतन को छोड़कर हरगिज न जाना, वतन को छोड़कर हरगिज न जाना, वतन को छोड़कर हरगिज न जाना, मुहाजिर आँख में चुकता बहुत। वाह 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 वाह। वतन को छोड़कर हरगिज़ न जाना, मेरा रिश्ता बहुत ही सच्चा शेर, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे दिखता बहुत, वतन को छोड़कर हरगिज़ न जाना,
मुहाजिर आँख में चुपता। और रजा देवी शेर देखे खुशी से, उसकी तुम धोखा न खाना, खुशी से उसकी तुम धोखा न खाना, परेशानी में वो हंसता है। वाह, खुशी से उसके तुम धोखा न खाना, परेशानी में वो हंसता बहुत है। और रात ये भी शेर देखिए, परेशानी में वो हंसता बहुत है, मियाँ उस शख्स से होशियार रहना, मियाँ उस शख्स से होशियार रहना, मियाँ उस शख्स से होशियार रहना, सभी से झुक के जो मिलता बहुत। शख्स से होशियार रहे, सभी से झुक के जो मिलता बहुत है, सभी से झुक के जो मिलता बहुत है। तो शेर सुनाने वाले मुझे निकाले थे, कोशिश ये कर रहा हूँ कि हाँ देखें आजाद, हाँ इन्होंने हुक्म दिया है, मैं पेश कर रहा हूँ। ये गजल आपकी भी नहीं सुनी है कि इश्क में होता है हर रोज खसारा मुझको, इश्क में हर रोज होता है खसारा मुझको, इश्क में होता है हर रोज खसारा मुझको, जितने हमदर्द हैं कहते हैं बेचारा मुझको। इश्क में होता है हर रोज खसारा मुझको, जितने हमदर्द हैं कहते हैं बेचारा मुझको। आजाद ये शेर अपने छोटे भाई दिलशाद के लिए पेश कर रहा हूँ। जितने हमदर्द हैं कहते हैं बेचारा मुझको, ऐ खुदा उसके भरम को सदा कायम रखना, ऐ खुदा उसके भरम को सदा कायम रखना, मैं दिया हूं वो समझता है सितारा मुझको। वाह 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 वाह, जावेद भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐ खुदा उसके क्या कहने, वाह 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 वाह। मैं दिया हूं वो समझता है सितारा मुझको। शेर सुनिए कि सिर्फ तूफान की लहरों से बची है उम्मीद, ये आज का शेर पेश कर रहा हूं इसमें आप, सिर्फ तूफान की लहरों से बची है उम्मीद, ये समंदर तो नहीं देगा किनारा मुझको। वाह 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 वाह, सिर्फ तूफान की लहरों से बची है उम्मीद, ये समंदर तो नहीं देगा किनारा मुझको। और ये शेर मैं पेश कर रहा हूं हजरात, हमारी उम्र के जो लोग हैं, हमारी उम्र के जो लोग हैं वो महसूस करेंगे इस शेर को, ये समंदर तो नहीं देगा किनारा मुझको। ऐ मेरे बेटे मेरी उम्र बची है कितनी, मेरे बेटे मेरी उम्र बची है कितनी, ऐ मेरे बेटे मेरी उम्र बची है कितनी, और कुछ दिन के लिए कर ले गवारा मुझको। जिंदाबाद जिंदाबाद, फिर से ये शेर पढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बेटे मेरी उम्र बची है कितनी, बहुत 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 जिंदाबाद। सलीम भाई मेराज भाई कि आए मेरे बेटे मेरी उम्र बची है और कुछ दिन के लिए कर ले गवारा, और कुछ दिन के लिए कर ले गवारा मुझको। और इसमें एक वक्ता जो है वो कुछ यूँ हुआ कि एक दिन कुछ बहुत सच धज के मैं निकल रहा था तो मेरी बीवी ने कहा कि अब तुम्हारी उम्र हो गई है, संजीदा रहा करो और सादे सुधा रहा करो। तो ये मकतब
है मेरे बेटे, मेरी उम्र बची है कितनी। अब शेर सुनिए, सिर्फ तूफान की लहरों से बची है तुम, उम्र चेहरे पे नजर आती नहीं है जावेद, उम्र चेहरे पर नजर आती नहीं है जावेद, लड़कियां अब भी समझती हैं कुंवारा मुझे। वाह 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 वाह, उम्र चेहरे पर नजर आती है मैंने, माशाल्लाह वाह 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 वाह, लड़कियां अब भी समझती हैं कुंवारा मुझको, लड़कियां अब भी समझती कुंवारा मुझको। अदा कुछ शेर और सुना लूं, ये बड़े शहरों का अलमिया है, ख़ास तौर से दुबई में सलाउद्दीन भाई और तमाम लोग जो बाहर रहते हैं और जो हिंदुस्तान में भी रहते हैं, उनका अलमिया सुनिए कि थक के जब तक बिखर नहीं जाता, थक के जब तक बिखर नहीं जाता, थक के जब तक बिखर नहीं जाता, मैं कभी अपने घर नहीं जाता। वाह वाह वाह, मैं कभी अपने घर नहीं जाता, कि थक के जब तक बिखर नहीं जाता, मैं कभी अपने घर नहीं जाता, अपनी गुर्बत में मस्त रहता हूँ, अपनी गुर्बत में मस्त रहता हूँ। शेर सुनिए, अपनी गुर्बत में मस्त रहता हूँ, बादशाहों के घर नहीं जाता, अपनी गुर्बत में मस्त रहता हूँ, बादशाहों के घर नहीं जाता। और ये शेर बतौर खास बड़े बड़े बुजुर्ग जो हैं और बड़े बड़े जो खानकाह हैं, ये शेर देखिए, आजाद धूप में छांव बांटने के लिए पिछौछा से ताल्लुक है आप सब लोगों का, खासतौर से मेराज भाई और कलीम भाई और हमारे, हाँ हमारा भी ताल्लुक वहीं से। और ये देखिए, ये सही बात है कि अगर आपको कुछ हासिल करना है तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा, ये बात कहने की कोशिश की है। देखो दोस्तों, कि ये धूप में छांव बांटने के लिए, धूप में छांव बांटने के लिए खुद से चलकर शजर नहीं जाता, बांटने के लिए खुद से, धूप में छांव बांटने के लिए खुद से चलकर शजर नहीं जाता। और आजाद ये भी सुनिए, खुद से चलकर शजर नहीं जाता, चलिए ये छोड़िए, हाँ आज के हालात पर मैं सहले मुमतना में शेर कहता हूँ, सारे दोस्त जानते हैं, आज के हालात को जाहिर करते हुए गज़ल पेश कर रहा हूँ, ज़रा महसूस कीजिए। और ख़ास तौर से हम अपने मुशायरों को, कवि सम्मेलनों के मंचों को, सबको सलाम पेश करता हूँ कि कहीं भी कुछ हो जाए यहाँ से मोहब्बत और अमन की बात होती है। और ये बात कहने की कोशिश की है, देखिए कि जिधर देखो सितमगर बोलते हैं, जिधर देखो सितमगर बोलते हैं, मेरी छत पर कबूतर बोलते हैं, जिधर देखो सितमगर बोलते हैं, मेरी छत पर कबूतर बोलते हैं। और ये भी शेर देखें आजाद की, जरा सा नाम और शोहरत को पाकर, जरा सा नाम और शोहरत को पाकर, जरा सा नाम और शोहरत को पाकर हम अपने कद से बढ़कर बोलते हैं। वाह 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 वाह, जरा सा नाम और शोहरत को पाकर हम अपने कद से बढ़कर बोलते हैं, अपने कद से बढ़कर बोलते हैं। आजाद ये शेर आज का है, सुनिए खास तौर से,
हम अपने कद से बढ़कर बोलते हैं, संभल कर गुफ्तगू करना बुजुर्गों, संभल कर गुफ्तगू करना बुजुर्गों के बच्चे अब पलट कर बोलते हैं, कि संभल कर गुफ्तगू करना के बच्चे अब पलट कर बोलते हैं, कि बच्चे अब पलट कर बोलते हैं। मैं लखनऊ से ताल्लुक रखता हूँ, एक शेर से मैंने महसूस किया, आप लोग भी महसूस कर सकते हैं, कि बच्चे अब पलट कर बोलते हैं। शेर से खंडर में बैठ कर एक बार देखो, खंडर में बैठ कर एक बार देखो, गए वक्तों के पत्थर बोलते हैं। हैं हैं वाह 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 वाह। खंडर में बैठ कर एक बार देखो, गए वक्तों के पत्थर बोलते हैं। और आजाद, ये शेर हमारे आप क्या है, सच्चा शेर पेश कर रहा हूं, आपको अपना भी चेहरा दिखाएगा, हमें तो दिखते ही। गए वक्तों के पत्थर बोलते हैं, जो घर में बोल दे तो रह ना पाए, जो घर में बोल दे तो रह ना पाए, जो हम सब घर के बाहर बोलते। जावेद भाई उठाओ कैमरा, तस्वीर खींच लो इनकी, बस ये शेर पढ़ दीजिए, बहुत फरमाइश हुई है इसके लिए, एक मतला एक शेर। देखिए सर, कुछ शेर सुन ली मैं पेश कर रहा हूँ। उन्होंने इनका शेर तुमने वही इब्तिदा में पढ़ लिया, मरीज हमको बता। हजरत, मरीज हमको दवाएं बताने लगते हैं, मरीज हमको दवाएं बताने, मरीज हमको दवाएं बताने लगते हैं, बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं, बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं। औजाद, ये देखिए शेर, हाथ हम तमाम बुजुर्गों की नजर कर रहे हैं, ये शेर, खुदा बुजुर्गों को ताउम्र खुद कफील रखे, खुदा बुजुर्गों को ताउम्र, खास तौर से इस अहद की सच्चाई पेश कर, खुदा बुजुर्गों को ताउम्र खुद कफील रखे, वगरना खून के रिश्ते रुलाने लगते हैं, खुदा बुजुर्गों को ताउम्र खुद कफील रखे, वगरना खून के रिश्ते रुलाने लगते हैं। कुफूल खुद कफील के बारे तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, मतलब हाथ पैर उनके सलामत रहे, किसी पर बोझ ना बने। आज एक नई बात हमने आप लोगों को बताऊं, देखी जाना, एक रिपोर्ट में देख रहा था कि हिंदुस्तान में जितने ओल्ड एज होम हैं, सर्वे आया है उसमें, पूरे हिंदुस्तान में एक मुसलमान माँ बाप नहीं है, ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट है कि कहीं भी ओल्ड एज होम में, मतलब इस बुरे दौर में भी हमारे बच्चे अपने माँ बाप को किस कदर मोहब्बत करते हैं और क्या है। और आप हर जिस शहर में निकल जाइए, आपको ओल्ड एज होम मिलेंगे। ये आज रिपोर्ट मैंने पढ़ी तो मैंने कहा आपको बताऊं, बता दूं। हाँ, बच्चे अब पलट कर गए वक्तों के पत्थर बोलते हैं।
एक शेर रह गया, वो भी सुन ले कि मुनज्जम हो रहे हैं सब अंधेरे, मुनज्जम हो रहे हैं सब अंधेरे, महसूस कीजिए शेर, मुनज्जम हो रहे हैं सब अंधेरे, उजाले तक सिमट कर बोलते हैं, मुनज्जम हो रहे हैं सब अंधेरे, उजाले तक सिमट कर बोलते हैं। ये आज़ाद के शेर थे, मैंने आपको सुनाए। मैं एक बार फिर अहले गोरखपुर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और मुझे इस बात के लिए ख़ास तौर से दिलशाद से हम लोगों का जो ताल्लुक़ है, वो ताल्लुक़ इंशाल्लाह आगे भी कायम रहेगा। और ये लड़का जो है, ये आपको मैं बताऊं कि ये अजीब खूबियों के मालिक है। इस खूबियों के मेरे वालिद की जब शदीद बीमारी की हालत में थे, डॉक्टरों ने कहा था कि आपको नहीं जाना है कहीं मुशायरे में, अब आप सिर्फ आराम करें। इसके एक फ़ोन पर मेरे वालिद ने घर वालों की परवाह नहीं की और गोरखपुर आ गए इसके मुशायरे। बिल्कुल सर, ये कुर्बानी याद रखा जाएगा। जी जी, यही मंच था 13 मार्च 2016। ये बात जो है वो ताल्लुक की बात है और मोहब्बत की बात है। हम तो दुआएं देते हैं कि अल्लाह ताला इस चिराग को जो यहाँ जला है गोरखपुर में, इसको पूरी दुनिया में इसकी रोशनी बिखरे। आमीन आमीन सर, आमीन। सर, डॉक्टर साकिब हारूनी साहब का हुक्म हुआ है कि एक किताब रज़ी अहमद फैज़ी साहब लाएं आपके हाथों, उसकी रस्म इजरा करना चाहते हैं। एक दो मिनट का काम, आ जाइए रज़ी भाई, जल्दी लाइए सर, आ जाइए प्लीज। साकिब भाई, मेरी किताब यहीं रखी थी, लाइए लाइए, सब लोग खड़े हो जाइए, लाइए लाइए, रज़ी भाई आ जाइए, हाँ आ जाइए। इरफान भाई जी, इरफान भाई खो गए हैं कहीं। हाँ बुला।